हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का दैनिक जागरण के राशि संस्करण न्यू सेशन में। और तारीख है दोस्तों आज 27 अक्टूबर 2018। तो चलिए ये सेशन आज को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज करवा चौथ है, तो करवा चौथ की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके साथ साथ दोस्तों आज मेरा जन्मदिन भी है, तो मैंने देखो अपने जन्मदिन के दिन यही रिजोल्यूशन लिया है कि मैं आप लोग को जो मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट करने की सोची है, ठीक है, तो वो मैं अपना इम्प्लीमेंट कर पाऊँ और अच्छे से कर पाऊँ। मतलब मेरा यही रेजोल्यूशन है कि मैं आप लोग को जितना भी हो सके जल्दी एनसीईआरटी चालू करना है। और देखो मेरा टारगेट अभी ये रहेगा कि मैं एनसीईआरटी को क्या करूँ, नवंबर में पूरा कंप्लीट कर पाऊँ। तो मेरा ये टारगेट है कि मैं एनसीईआरटी को नवंबर में पूरा कंप्लीट करा दूँ। तो और जो मैंने सोच रखा, अगर सब कुछ बढ़िया रहा, क्योंकि मैंने व्हाइट बोर्ड वगैरह सब कुछ अभी सब कुछ इंप्लीमेंटेशन चल रहा है, एक बड़े बोर्ड पे हम समझेंगे, क्योंकि इससे पहले आपने अगर वीडियो देखी होगी तो हम छोटे से बोर्ड पे पढ़ते थे, तो हम उसके बजाय आपने बड़ा बोर्ड ऑर्डर कर दिया है। तो होपफुली वो 29-30 को सारा इम्प्लीमेंट होकर सारा सेटअप हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम 1 नवंबर से सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक जो टारगेट बनाया है कि मेरे को टारगेट यही बनाया है कि दोस्तों मेरे पूरा एनसीईआरटी नवंबर में ख़त्म करना है, ठीक है। हम पूरा एनसीईआरटी नवंबर में ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं ख़त्म हो पाएगा, देखो मैं बता दूँ, क्लास 6 पहले हम पढ़ेंगे, क्लास 6 से पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर क्लास 8 की, उसके बाद 9th एंड 10th, उसके बाद 11th 12th में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो मेरा जो प्लान है वो प्लान ये है कि मैं कम से कम एटलीस्ट आपको 4 वीडियो डेली एनसीईआरटी की दूँ, जिससे क्या हो कि पूरा नवंबर में आपका एक बार सिलेबस खत्म हो जाए। उसके बाद क्या करें, हम टॉपिक वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स चालू करेंगे, पॉलिटी चालू करेंगे, ऐसे ऐसे हम पूरा ख़त्म करेंगे पढ़ पढ़ के। तो वो भी सिलेबस मेरा जो टारगेट है, वो टारगेट है कि मैं शायद मार्च तक कोशिश करूँगा कि पूरा ख़त्म हो जाए। प्रीलिम्स 2 जून को होने वाला है, आपको अगर आपको पता होगा आईएएस का, तो ठीक है। एक चीज़ और, कल दोस्तों ये भी है, कल अभी एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस का, तो जिनका एग्ज़ाम है दोस्तों उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और उम्मीद करूँगा ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। और आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बार देखो निगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, देखो 150 क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में, तो 150 में से आप टारगेट ये रखें कि मेरे को 120 के आसपास करना है, 120 से 25 के मैक्सिमम 20 में करना है। और ये मान के चलना कि करीब करीब आपके 20 गलत होने हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो आप मिनिमम 115 से 125 के बीच टारगेट लेके चलिए। मैक्सिम अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत ही सही सही किया है तो आप मैक्सिमम 110 तक जाइएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट होता है तो लगभग आप टारगेट रखेंगे 120 अटैम्प्ट करने के लिए। आप दिमाग में पहले से डाल के जाइए कि मेरे को 30 क्वेश्चन छोड़ना है, मेरे को अटैम्प्ट कितना करना है, 120 मिनट, 120 क्वेश्चन 120 मिनट में, ठीक है। तो आप ये टारगेट दिमाग में लेके जाइएगा, तब आप बहुत ही आराम से सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि देखो 120 अगर आप टारगेट लेके चलते हो तो अगर आपके 15 भी गलत होते हैं तो लगभग आप 97-98 क्वेश्चन आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इस बार कट ऑफ भी लो जाने वाले, इसके 2 रीज़न है। पहला, एक तो निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गया है, आपको पता होना चाहिए निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुआ है। दूसरा, इस बार वैकेंसीज लगभग 900 के आसपास है, 900 समथिंग है। तो ये दोनों फैक्ट हैं जो क्या करता है आपके मतलब जो कट ऑफ है उसको नीचे जाने के लिए, मतलब एक तरीका है कि जब देखो वैकेंसीज ज़्यादा हैं तो कट ऑफ जारी सी बात है नीचे जाएगी, प्लस निगेटिव मार्किंग हो गया तो अब कट ऑफ और जाने के नीचे जाते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, कट ऑफ नहीं मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, तुक्का मार के भी आ जाते थे। मतलब 70 क्वेश्चन आ रहे थे, 80 क्वेश्चन आ रहे थे, उसके बाद भी क्या किया, सब ABCD भर दिया, उसमें से अगर 10 भी सही हो गया तो 10 नंबर तो और बढ़ जाते थे। तो इस बार इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, चलिए ठीक है। तो अब चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला दिया गया होगा, सीबीआई को लेकर दिया गया है, ठीक है। अभी सीबीआई का मामला क्या था, हमने क्या करके डिस्कस कर लिया था। देखो इसको हम किस पेपर से रिलेट कर सकते हैं, देखो एथिक्स के पेपर से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एथिक्स के पेपर से रिलेट कर, जिसको GS4 पेपर करते हैं, GS4 के हम एथिक्स पेपर से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद GS2 के गवर्नेंस से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इन दोनों टॉपिक से रिलेट कर सकते हो, एक तो एथिक्स से, एक गवर्नेंस से, ठीक है। तो चलो इसको हम आगे चल के भी पढ़ेंगे। मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता रहा है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो किस पेपर से रिलेटेड है। तो हमने ये बता दिया आपको कि ये GS के पेपर 2 गवर्नेंस टॉपिक से रिलेटेड कर सकते हैं, इसको हम GS पेपर 4 एथिक्स से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मामला क्या था, हम एक बार ये पढ़ लेते हैं। आपको पता होगा कि आलोक वर्मा जो CBI के डायरेक्टर थे, और उसके नीचे एक स्पेशल डायरेक्टर होते हैं राकेश अस्थाना, मैं अस्थाना लिख रहा हूँ बस, ठीक है, राकेश अस्थाना। अब इन्होंने क्या किया, आलोक वर्मा ने क्या किया कि राकेश अस्थाना ने क्या किया, 3 करोड़ की घूस ली है, ये लगा दिया अस्थाना इनके, राकेश अस्थाना के ऊपर। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मतलब FIR से नाम निकालने के लिए इन्होंने 3 करोड़ की घूस ली, ये कहा। फिर अस्थाना ने आलोक वर्मा पर क्या आरोप उन्होंने लगा दिया, इन्होंने कहा कि जो कोई भी बड़ी फाइल होती है उसमें हेरा फेर करने के लिए इंटरफेयर करते हैं, आलोक वर्मा इंटरफेयर करते हैं, कोई भी फाइल को इधर से उधर कराना होता है, कोई भी चेंजेस कराने होते हैं जो कि अननेसेसरी है। तो ये पूरा मामला था। अब इसमें क्या हुआ कि आपको पता होगा कि CVC की मीटिंग, मतलब CVC ने क्या किया, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, उन्होंने इन दोनों को छुट्टी पर भेज दिया,
ठीक है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर उन्होंने छुट्टी पर भेज दिया। अब एम नागेश्वर थे उनको, मतलब तत्कालीन डायरेक्टर बना दिया गया था एम नागेश्वर, तो आप ये भी याद, इनका भी नाम याद रखिएगा, एम नागेश्वर को डायरेक्टर बना दिया गया था। ठीक है, ये तो सब, ये था दोस्तों पूरा मामला। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ये में सुनवाई के लिए याचिकाएं दी। इन्होंने कहा कि हम, हमारा जब कार्यकाल अगर 2 साल का है तो आप उससे पहले तो हम मुझे हटा ही नहीं सकते, अगर हटाना भी हो तो क्या करोगे, आप नोटिस पीरियड दोगे, ठीक है, अगर कुछ ने गलती की है तो, ये सारी प्रोसेस इन्होंने कहा इसमें, मतलब पॉइंट देखिए ये है ऐसे है। ठीक है, तो वो हमारे देखो काम का नहीं है, हम वो वाला डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इसमें जो मामला है देखो ये डिस्कस कर लेते हैं। और देखो इसमें मेंस ऑफ पॉइंट, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका रीज़न समझो आप। ठीक है, देखो एक पहली चीज़ तो ये है कि सीबीआई के अंदर ये चीज़ें हो रही है। ठीक है, जो हमारे देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है ये हम डिस्कस करें। देखो अब हमारे अगर यहाँ पे कुछ भी होता है, कोई भी कांड होता है, कोई भी चोरी का केस होता है, कोई भी हत्या का केस होता है, हम क्या कहते हैं, हमें सीबीआई जांच करानी है। ठीक है, हम कहते हैं इसमें सीधे कि सीबीआई जांच करानी है। अब देखो सीबीआई अगर फर्स्ट निकलेगी, हम ये नहीं कहते कि इसमें से कोई एक, देखो दोनों में से कोई एक तो होगा गलत, ये तो श्योर है। ठीक है, इसमें से दोनों में से कोई ना कोई एक गलत ज़रूर है। अब इसमें अगर एक भी गलत है तो सीबीआई जैसी महा, मतलब इतनी बड़ी संस्था को एक, मतलब एक भ्रष्टाचार से लिप्त लिप्त संस्था कह सकते हैं, तो आप बताओ इनके डिसीजन कैसे अच्छे होंगे। हम कहते हैं कि अब इसमें एग्जाम्पल भी, अभी अब एडिटोरियल में जाएंगे तो एडिटोरियल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, या एक काम करते हैं, हम सारा एडिटोरियल का भी देखो दोस्तों पार्ट ए भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें कहा क्या जाता है, हम वो भी एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखो ठीक है, एक तो होगी बात सीबीआई की। ठीक है, सीबीआई अगर ऐसे ही रहेगी तो हमारा विश्वास एक तो उठता जाएगा। ठीक है, दूसरा ये चीज़ कही जाती है कि सीबीआई को हम स्वायत्त थोड़ा संस्था बनाए, स्वायत्त संस्था इन द सेंस कि इनको हमें छूट देनी चाहिए, क्यों कि ये गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में ना काम करें। जैसे सपोज करो देखो जो भी गवर्नमेंट आती है उनके इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, जैसे एक बात कही जाती है हमारे मतलब यूपी के पुराने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बारे में। ठीक है, मुलायम सिंह यादव और मायावती ये दोनों लोग यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, इनकी जो संपत्ति थी उनकी अर्जेंट से बहुत ही मतलब रैपिडली ग्रोथ की। सपोज करो नॉर्मली अगर इन्होंने दिखाया कि मेरा 100 रुपये संपत्ति बढ़ रही थी तो 100 रुपये, अगर सपोज करो 100 करोड़ थी तो 1 साल बाद इनकी संपत्ति कितनी होगी, 500 करोड़ हो गई। ठीक है, तो ये रैपिडली ग्रोथ था, इस पर सीबीआई जांच भी हुई थी इनके दोनों लोगों के लिए, लेकिन इन्होंने इतनी इन्फ्लुएंस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि इनके जो इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की वो इन दोनों के फेवर में दे दी। ठीक है, ठीक है, अगर आप रिपोर्ट देखते हो वैसे तो नॉर्मल लोग कह सकते थे कि आप 100 करोड़ से सीधे 5000 करोड़, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिससे कि आप इतना ग्रोथ कर जाते हो। ठीक है, तो अब ये पॉइंट इसमें ये कही गई कि देखो इसमें मतलब अब एडिटोरियल डिस्कस करेंगे हम तो ये पॉइंट इसमें आएगा, तो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ कही जाती है कि देखो सीबीआई को एक स्वायत्त संस्था देनी चाहिए। सीबीआई का काम क्या है, सीबीआई अपने काम में अच्छी रहे ये चीज़ हम चाहते हैं। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, तो ये इनको अपनी एक छूट देनी चाहिए जिससे कि एक स्वायत्त तरीके से काम कर सके। तो इसमें एक चीज़ और कही, देखो इसमें अब सीबीआई अच्छी क्यों नहीं है, इसका रीज़न भी है, गवर्नमेंट चेंज होता है सीबीआई के लोग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सीबीआई के लोग भी चेंज होते हैं प्लस गवर्नमेंट भी चेंज होती है, तो सीबीआई के जो काम करने का तरीका है वो गवर्नमेंट के ही इशारे पे काम करते हैं, तो ये चीज़ें देखो सही नहीं है। सीबीआई को मेरे हिसाब से एक संस्था बनानी चाहिए। अगर आपसे मेन से पूछा भी जाता है तो क्या सीबीआई को अलग एक संस्था बनानी चाहिए जो अपने आप में मतलब सरकार से उसका कोई भी नाता ना हो, ऐसा हम कर सकते हैं। देखो एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर दें, मतलब अगर इसका कुछ भी मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने का हक रखे या कुछ भी हो तो सुप्रीम कोर्ट के ये अंडर में काम करें, तो ये एक तरीका हो सकता है, मतलब जिसको इन्फ्लुएंस किए बिना हम इससे काम करा सकते हैं, तो एक तरीका ये भी हो सकता है सोचने का। ठीक है, तो देखो ये सारे पॉइंट्स थे, इसमें पॉलिटिकल मामले बहुत सारे दिए गए हैं लेकिन हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी इलेक्शन से रिलेटेड है तो वो भी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अब देखो मुंबई मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बारे में बात कही गई है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ कि इमरान खान, अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कहाँ के, पाकिस्तान के, इन्होंने इनके दो संगठन को क्या कर दिया, इनको दो संगठन को प्रतिबंधित समूह से क्या किया है, हटा दिया है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब बात करें पाकिस्तान की, तो आपको पाकिस्तान को पता होगा कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है दोस्तों, और आने वाले टाइम में अगर इनके पास 2 महीने का रिजर्व है, 2 महीने का रिजर्व है डॉलर में, अगर इनको 2 महीने तक किसी देश ने मदद नहीं की तो पाकिस्तान ये मान के चलिए बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने चाइना से इतना कर्ज ले रखा है, चाइना से इतना ज़्यादा कर्ज ले रखा है कि अब उसका ब्याज तक नहीं दे पा रहे, सोच लो आप उनका ब्याज तक नहीं दे पा रहे, तो चाइना पाकिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब है। और सीपेक के थ्रू वो चाह रहे थे कि उनकी मदद कर देगा कौन, सऊदी अरब को कहा कि आप आइए हम मुस्लिम कंट्री हमारी मदद करिए, तो सऊदी अरब ने भी उसमें मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, उल्टा सऊदी अरब ने क्या कहा, सऊदी अरब ने कहा कि जो तुमने सीपेक बनाया है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बोला इसमें हम लोग को हिस्सेदारी दे दो, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी लगा देंगे हम। लेकिन फिर इसमें क्या हुआ, चाइना पाकिस्तान रेडी नहीं हुए इनको हिस्सेदारी देने के लिए, चाइना ने सीधे मना कर दिया कि हमारे इसमें तीसरा कोई हिस्सेदार नहीं होगा, हम चाइना और पाकिस्तान ही रहेंगे।
देखो पाकिस्तान, चाइना सपोर्ट तो करता है पाकिस्तान को, ठीक है। अब देखो लास्ट में उपाय इसके पास बचेगा, अगर IMF लोन नहीं देता है, अगर IMF लोन नहीं देता है इनको पाकिस्तान को, तो चाइना क्या करेगा, चाइना अपने ही लोन, अपने ही ब्याज के लिए फिर से लोन दे देगा, ठीक है। अब देखो बात तो यही हो गई, आपको 100 करोड़ रुपये आपको लोन थे, आपको 10 करोड़ रुपये ब्याज देने थे, चाइना क्या करेगा, फिर क्या करेगा, लो पाकिस्तान को बोलेगा क्या कि हमसे लो और 50 करोड़ रुपये ले लो। अब वो 10 करोड़ रुपये इसी को ब्याज दे रहा है, मतलब इससे ही पैसा लेके इसको ही फिर से ब्याज देगा, और इस पैसे पर फिर से ब्याज बढ़ने लगेगा। तो ये देखो चाइना की पॉलिसी है। चाइना क्या करता है, चाइना में किसी भी देश को सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले उसको कर्ज में इतना ज़्यादा ले जाता है, इतना ज़्यादा ले जाता है कि आप उसके बाद उसको कहीं नहीं पाओ कुछ। और उसके बाद क्या करता है, आपकी ज़मीन ही आपको 99 ईयर, 10 ईयर, मतलब 10 ईयर, 50 ईयर्स के लिए लीज पे ले लेगा। सेम सीनरी होगा बाकी बात करें तो श्रीलंका की, श्रीलंका का आप यहाँ पे देखोगे एक हम्बंत होता है, श्रीलंका का मैप अगर ऐसे देखोगे तो ऐसे बनता है कुछ, यहाँ पे भारत आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो हम्बंत होता है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा हम्बंत होता। इस यहाँ पे दोस्तों पोर्ट बनाया सॉरी डेवलपमेंट की, मतलब इतना ज़्यादा लोन दिया इन्होंने श्रीलंका सर गवर्नमेंट को, श्रीलंका गवर्नमेंट इतना ज़्यादा लोन दिया कि हालत ये होगी श्रीलंका जो श्रीलंका गवर्नमेंट उसका ब्याज तक नहीं दे पा रही थी। इस हम्बंत होता पोर्ट और यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया था, उसका ब्याज तक नहीं दे पा रही थी। फिर क्या हुआ, श्रीलंका को ये पोर्ट 99 ईयर के लीज देना पड़ा, 99 ईयर के लिए लीज पे देना पड़ गया किसको, चाइना को। अब देखो सारी एक्टिविटी अब यहाँ से करेंगे अपने पोर्ट, मतलब अगर सपोज करिए यूरोपीय कंट्री से सामान लाते हैं, इस पोर्ट पे रुकेंगे सारा, मतलब बाकी अगर कोई देश का और भी जहाज आकर रुकता है तो क्या करेगा, इनको यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है चाइना के, चाइना सारे देश को पहले चाइना के पास इतना पैसा भी है कि वो सारे लोगों को इतना पैसा देता है, उसके बाद क्या करता है उनको वैसे ही पार्ट देता है क्या, मतलब कर्ज में। तो लगभग हमने इस दोस्तों इसमें सारा पॉइंट डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो देखो पहले पेज पर इतना इम्पोर्टेंट कोई न्यूज़ नहीं दी गई थी। देखो एक तो इसमें है कि श्रीलंका के बारे में दिया गया, राजपक्षे को क्या किया गया, राजपक्षे को फिर से यहाँ पे क्या किया, प्रधानमंत्री बना दिया गया है, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि भारत में इनके प्रधानमंत्री आए हुए थे, उनका क्या नाम था, देखो अभी तो जो प्रधानमंत्री की शपथ दिया गई वो दिया गई महिंद्रा राजपक्षे को, ठीक है। इससे पहले आपको पता रानिल विक्रम सिंघे अभी कहाँ आए थे, भारत के दौरे पर आए थे, इनको हटा दिया गया, ये कहा गया कि इनकी सरकार गिर गई है, मतलब इनकी बहुमत नहीं है केंद्र में, तो इनको क्या किया गया, इनको शपथ दिला गया, शपथ दिला दिया गया है। लेकिन फिर से अभी देखो बहुमत सिद्ध दोनों लोगों को करना है, अब बहुमत सिद्ध कर पाते हैं कि नहीं ये देखना है, ठीक है। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पड़ोसी देश है, हमें अपने पड़ोसी देशों को देखो क्या क्या जानने की जरूरत है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। अगर ये भारत है अपना, ठीक है, ये प्यारा भारत मान लो अपना है ये, ठीक है, तो आपको देखो यहाँ श्रीलंका के बारे में जानने की जरूरत है, यहाँ बांग्लादेश के बारे में, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चाइना और म्यांमार, आपके इनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मालदीव के बारे में भी, मालदीव के राष्ट्रपति, यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेपाल के शेख हसीना, यहाँ की ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनके बारे में जाना है, म्यांमार के बारे में। ये सारी नॉलेज आपको बेसिक होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में यही से बन जाते हैं, ठीक है। इंडिया के आसपास कंट्री बनते हैं, आपको अगर IR पढ़ोगे पेपर GS 2 में तो वहाँ पर लिखा है भारत व उसके पड़ोसी देश, बस इतना ही लिखा है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो आपको अपने पड़ोसी भारत और उसके रेफरेंस में जितने भी पड़ोसी देश हैं आपको सारे सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग दोस्तों बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर हमें सिलेबस के बारे में बताइए, तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है। दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा 2 से 3 दिन आप रुक जाइए, मैं सारी वीडियो आपको एक सीरीज़ में ले आऊँगा, मतलब आपको डेली वीडियो मिला करेगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन सिलेबस की बात रहेगी, आप लोग कहते हो सिलेबस भेज दो, सिलेबस भेज दो, तो मैं सिलेबस खुद ही डिज़ाइन कर रहा हूँ, सिलेबस इन द सेंस मैं वो कॉपी करूँगा कहाँ से, UPSC का जो नोटिफिकेशन है वहाँ से, और उसको एक पॉइंट वाइज मतलब डाटा में दूंगा, जैसे GS पेपर 1 है तो उसको 0.1, 2, 3, 4 करके मैं उसको आपको ऐसे बना के दूंगा कि आपको समझ में आए। और जब मैं आपको मतलब न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लो GS पेपर 1 के टॉपिक नंबर 3 में, तो टॉपिक नंबर 3 लिखा रहेगा तो आप जाके यहाँ देख सकते हो कि टॉपिक नंबर 3 में क्या लिखा है। देखो UPSC की तैयारी का सबसे बड़ा रामबाण ये है, ठीक है, या चाहे PCS की तैयारी कर रहे हो सिलेबस देखना मस्ट है। आप इवन SSC की भी तैयारी कर रहे हो, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सिलेबस देखना मस्ट है। अगर सिलेबस देखते रहोगे तो ये मान के रखो कि आप कभी भटकाव नहीं होगा, आप गलत चीज़ों के डायरेक्शन में जाओगे। एक होता है देखो आज के टाइम के जो मतलब ज़रूरतें हैं ना वो ये है कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आप मेहनत तो करिए, हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन उसके साथ स्मार्ट स्टडी जब आप करोगे ना तो आपका लेवल यहाँ आ जाएगा, और हार्डवर्क पे यहाँ पे है स्मार्ट स्टडी में। यहाँ स्मार्ट स्टडी क्या होता है, आपने से आपको तो सबको पता है कि यार जैसे अगर कोई बुक पढ़नी है, अगर सपोज को लक्ष्मीकांत की बात करें, पॉलिटी की बात करें, सबको पता है लक्ष्मीकांत पढ़नी है, सारे लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे बात करें SSC वगैरह के, तो वो लोग जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, उनको भी पता है कि सारे लोग को पढ़नी है। लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या करता है, उसका सिलेबस देखता है, सिलेबस में क्या क्या दे रखा है,
तो वो उस चीज़ जो सिलेबस में दे रखा होता है उस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिलेबस में दे रखा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो सिलेबस में नहीं दिया होता लेकिन बुक में दी गई होती हैं, फिर भी हम क्या करते हैं उसको पढ़े जाते हैं। तो आप अननेसेसरी चीज़ें भी कुछ उसमें ऐसे पढ़ लेते हो जिसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने लगभग इसमें सारा डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो ठीक है, आप देखो ये भी एक पॉइंट है। अब ये देखो, अब हो यही है कि जब चीज़ें हो जाती हैं तब हम इसको क्या करते हैं, संज्ञान में लेते हैं। अब देखो ये बात कही गई है दोस्तों, अभी पता होगा कि अमृतसर में जो हादसा हुआ था दशहरे के दिन, कि एक मतलब रावण का पुतला गिर गया ऐसा बोला जाता है, और लोग पटरियों पे आ गए और ट्रेन गुजर गई थी यहाँ से, तो लगभग 60 से 61 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब देखो रेलवे मिनिस्ट्री क्या कर रही है, अब जाके उन्होंने संज्ञान लिया। अब क्या कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक के आसपास वो क्या कर रहे हैं, पूरा दीवार लगा रहे हैं। अभी अभी दोनों तरफ से ये दीवार खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, दीवार खड़ी रहेगी तो लोगों का मतलब कॉन्टैक्ट इन रेलवे पटरियों से कम होगा। तो ये चीज़ हमें हिसाब से पहले करनी चाहिए थी दोस्तों, क्योंकि भारत एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये सारी चीज़ें हमें पहले सोचनी चाहिए थी। कि हमारी एक देखो प्रशासन की नाकामियाँ भी दिखाता है, बट ठीक है, हम निगेटिव चीज़ें अभी डिस्कस नहीं करते हैं। हम इसमें पॉइंट दिखा देते हैं कि अभी देखो ये जो लिखा गया इसमें हम एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ठीक है, देखो अब यही है लेखक ने इसमें क्या कहा, 61 लोगों की मौत के बाद आई आई मतलब आई ट्रैक पर दीवार। ठीक है, अब देखो यही एक चीज़ यही है कि हमें ऐसा करना चाहिए था कि अगर हम पहले ये चीज़ किए होते हैं तो शायद वो 61 लोग की जो मौत हुई वो नहीं हो पाती, पहली चीज़। दूसरा ये है कि इसमें प्रशासन को बहुत ज़्यादा दोषी माना जाता है। प्रशासन को दोषी इसलिए माना जाता है कि अगर न्यूनतम इन्होंने अगर व्यवस्था किया होता, न्यूनतम इन द सेंस कि अगर 2-4 पुलिसकर्मी भी यहाँ होते तो शायद ये जो एक्सीडेंट होना था वो नहीं होता, या रेलवे के ही कर्मचारी 2 या 3 होते तब भी शायद ये हम रोक सकते थे और 60-70 लोगों की जिंदगी बचा सकते थे। आप ये सोच के देखो दोस्तों, उस अगर 60 लोगों की बात करें हम, उसमें कितने ऐसे रहे होंगे जिनके घर के मतलब लड़के रहे होंगे, जो इकलौता लड़का रहा होगा। ठीक है, इकलौता लड़का होगा, पूरा घर उससे चलता रहा होगा, उसके जाने के बाद उसका घर कैसे चलेगा। गवर्नमेंट ने कह दिया जी हम 5 लाख रुपये का मुआवजा। अरे 5 लाख मुआवजा दे आप दे दोगे ठीक है, लेकिन क्या आप जिंदगी तो नहीं ला सकते ना 5 लाख रुपये से। तो आप ये भी पॉइंट एक देख मतलब इसमें पढ़ सकते हो, और मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कहीं भी एग्जाम में पूछा जाए तो सारे पॉइंट्स कोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब पता है आपको दिल्ली की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है दोस्तों, अभी प्रदूषण लेवल बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे तो मुझे मतलब मुझे खुद सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक है, तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और कही गई है, सबसे पहले केंद्रीय सरकार क्या करेगी, केंद्रीय विद्यालयों को डिजिटल बोर्ड से लैस करेगी सरकार। ठीक है, अब देखो इसमें पॉइंट क्या क्या है, ये हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं इसको। सबसे पहले दोस्तों अब क्या किया जा रहा है, जो केंद्रीय विद्यालय है ना, केंद्रीय विद्यालय में डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। जो पहले आप व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड से ग्रीन बोर्ड भी, जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो आप ग्रीन बोर्ड पढ़ चलता है। ठीक है, अगर आप जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में से अगर आप जाए तो आपको व्हाइट बोर्ड चलता है आज के टाइम पे। ठीक है, और पहले क्या चलता था, ब्लैक बोर्ड चलता था। अब धीरे धीरे हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, हम डिजिटल बोर्ड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। क्या करेंगे हम, अब स्कूलों में हम व्हाइट बोर्ड के बजाय मतलब ब्लैक बोर्ड के बजाय किस पे पढ़ेंगे, हम डिजिटल बोर्ड पे। और सबसे पहले ये पहल शुरू की गई है केंद्रीय विद्यालयों में। लगभग 30,000 व्हाइट मतलब डिजिटल बोर्ड लगाए जाने का मुहिम है, और लगभग 12,000 अभी लगा दिए जा चुके हैं। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, 30,000 लगाने का सरकार का अभी इनिशियली जो प्लान है, 30,000 स्कूलों में, 30,000 विद्यालय में लगाना, जो कहाँ कहाँ पर, केंद्रीय विद्यालय में। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में 30,000 बोर्ड लगाने हैं, लगभग इन्होंने 12,000 लगा रखे हैं, तो अभी लगभग कितने रह गए, 18,000 और रह गए लगाने के लिए। तो ये शुरुआत की गई है। अच्छा, किस तर्ज पे शुरुआत की गई, ये भी एक पॉइंट होता है। ठीक है, देखो तो आपको अगर याद मतलब आप अगर इसमें पढ़ोगे तो 1986 की बात है, 1986-87 में उस टाइम पे क्या किया था गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ने क्या किया था, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन चालू किया था। ऑपरेशन का मतलब होता है एक मुहिम, एक शुरुआत। ठीक है, तो उसमें क्या किया था, उसमें ब्लैक बोर्ड लगाने की बात चली थी, ब्लैक बोर्ड लगाने की बात चली थी। उसी के तर्ज पे दोस्तों अभी डिजिटल बोर्ड लगाने की मुहिम चला रखी है गवर्नमेंट ने। तो अभी क्या है कि पहले केंद्रीय विद्यालय को करेंगे हम। ठीक है, फिर केंद्रीय विद्यालय के बाद धीरे धीरे जितने भी राज्य सरकारें हैं, ठीक है, राज्य सरकारें सारी राज्य सरकारें अडॉप्ट करेंगे, और सारी जितनी प्राथमिक विद्यालय से लेकर जितने भी गवर्नमेंट विद्यालय हैं सब में क्या होगा, डिजिटल बोर्ड लगेगा। जिससे क्या होगा कि आपको आसानी से सारी चीज़ें उपलब्ध होगी, यहाँ से इंटरनेट यूज़ करके हम कोई भी इमेज दिखाना चाहे तो इमेज को दिखा सकते हैं, कहीं किसी देश के टेंपल को दिखाना चाहे तो उसको दिखा सकते हैं। मतलब पढ़ाई को बहुत ही सुलभ बनाया जा सकता है, जिससे हम कोई चीज़ किताब में पढ़ रहे हैं। अब सोचो अगर इसमें हमें सब कुछ पढ़ाया जाए तो हमें किताब लाने की भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ से बुक यहाँ पर डाउनलोड कर दो, वहाँ पर स्क्रॉल करके लोगों सीधे दिखाओ कि देखो आपने किताब में देखने के बजाय आप बोर्ड पर देखो सारी चीज़ें आपको लाइव दिखेंगी। तो ये इसमें एक कॉन्सेप्ट आप ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे लोग बच्चे क्या होते हैं आज के टाइम में, आपको पता है कि बच्चों का बैग का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बहुत सारे किताबें बच्चे छोटे से जितनी उनकी वेट उनका वेट नहीं होता उससे ज़्यादा मुझे लगता है किताबें उनके बैग में होती हैं। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम इसको रिप्लेस कर दें। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लगभग इसमें सारा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, और देखो पीसीएस परीक्षा को भी लेके इसमें दिया गया है, इस बार माइनस मार्किंग है दोस्तों, तो आप थोड़ा आराम से रहिएगा। देखो 831 पद इसमें दिए गए हैं, और जिसमें 119 पद एसडीएम के हैं, ठीक है। तो अब निगेटिव मार्किंग है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बस कि 150 क्वेश्चन है, देखो आपके पास 120 मिनट है, तो आपको 120 मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 30 छोड़ने हैं, दिमाग में लेके जाइएगा, ठीक है, माइंड मेकअप करके जाइएगा। और ये मान के चलिए कि आप अगर 120 अटेम्प्ट करते हो तो आपके 100 से लेके 105 तक सही होंगे और 15 गलत होंगे, ये मान के चलो। तो लगभग आप 100 क्वेश्चन के आसपास करेक्ट आओगे और आप आराम से पीसीएस क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लगभग हमने दोस्तों इसमें ठीक है सारा काम कर लिया है। अब देखो कृषि कुंभ की स्टार्ट की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, यहाँ से कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ में किया था, तो आप ये चीज़ याद रखिए। और उन्होंने इसको नाम जो दिया है मीठी क्रांति दी है। अब क्या होगा कि हम मतलब गन्ने से क्या करेंगे, बिजली बनाने का प्लान चल रहा है और सोलर पैनल लगाने की बात चल रही है, ठीक है। तो ये है इसमें, बस आप याद रखिएगा कि कृषि कुंभ कहाँ चालू हुआ था, लखनऊ में चालू हुआ है, तो बस ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्ट किया गया है। अब बात कर लें, देखो सबरीमाला का फिर से यहाँ पर नाम आ गया। सबरीमाला के बारे में दोस्तों मैंने बहुत बार आपसे डिस्कस किया, फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सबरीमाला मंदिर की बात करें तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, ये केरल में है, एक चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। सबरीमाला एक्चुअली देखो प्लेस भी कहते हैं इसको, सबरीमाला मंदिर भी इसको नाम देते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, सबरीमाला मंदिर केरल में है, प्लस किस भगवान का मंदिर है, अयप्पा भगवान का मंदिर है, अयप्पा मंदिर के नाम से भी इसको जानता है, ठीक है। इनको ब्रह्मचर्य अयप्पा बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी। यही रीजन है कि यहाँ पे जो मान्यताएं आ रही कि 10 से 50 साल की औरतें जो होती हैं, जिनका रजो धर्म चलता है, पीरियड चलता है, उस टाइम पे उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसके चलते लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये आर्टिकल 25(1) का क्या है, वायोलेशन है, ठीक है। इसके आप आर्टिकल 15 भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, आर्टिकल 15 हमारे संविधान का कहता है कि आप लिंग जाति के आधार पे आपका भेद नहीं हो सकता, मतलब आपके साथ विभेद नहीं हो सकता, ठीक है, कि आप महिला हो तो आप नहीं जा सकते, पुरुष हो तो नहीं जा सकते। तो इस बार इस बेसिस पे भी आपका क्या हो सकता है, तब आप इसको चुनौती दे सकते हो। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी सुनवाई करने के बाद यही कहा था कि आप इस मतलब आ, 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 मतलब कि कोई भी पर्सन 10 से 50 साल की औरत को यहाँ पे मंदिर प्रवेश करने से नहीं रोक सकता, ठीक है, इसकी अनुमति दे दी थी। और इसके चलते बहुत सारे विरोध हो रहा है अभी तक, कोई देखो जो मतलब लेडीज़ है वो 10 से 50 साल की एज की कोई भी अभी तक मंदिर में दर्शन कर अभी तक नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब दंगे फसाद कर रहे हैं, लगभग यहाँ पर 1,000 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, ये है पूरा मामला, ठीक है। तो लगभग हमने इसमें डिस्कस कर लिया दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो पॉलिटिकल जितने मामले हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सीबीआई वाला मामला हमने लगभग सारा डिस्कस कर ही लिया था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फिर इसको छोड़ते हैं। सो ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ठीक है, तो एक स्टर्लिन बायोटेक का मामला यहाँ पे दिया हो गया है, ठीक है। अब जैसे आप ये नेक्स्ट विजय मान लें, आप समझ लो ये होने वाले हैं। अब स्टर्लिंग बायोटेक का मामला क्या है, स्टर्लिंग बायोटेक ने क्या किया था दोस्तों, इनकी लगभग इन्होंने 249 कंपनियां रजिस्टर की थी विदेशों में, और क्या किया था, यहाँ बैंकों से लोन ले लिया। 249 कंपनियां दिखाई तो, लेकिन इन्होंने क्या किया, 200 कंपनियां दोस्तों बस कागजों पर दिखाई, मतलब फर्जी कागज दिखा के मैंने कंपनी यहाँ पर खोली है, यहाँ पर खोली है, यहाँ पर खोली है, और इन्होंने लगभग 8,000-7,000 करोड़ के आसपास क्या किया, बैंकों से लोन ले लिया, और इन्होंने पैसा कहीं और लगा दिया, हवाला में लगा दिया, कहीं से और बिजनेस में लगा दिया, ठीक है। अब बायोटेक करते क्या थे, ये दिखा दे पेट्रोलियम से रिलेटेड ही काम करते थे, पेट्रोलियम रिफाइनरी वगैरह से, ठीक है। तो यही मामला है, अभी देखो हाईलाइट होगा धीरे धीरे। तो अभी क्या किया था, अभी क्या किया, अभी इनको मतलब जो ईडी हमारी प्रवर्तन निदेशालय है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इनको हम भगोड़ा घोषित कर रहे हैं, और इनकी संपत्ति क्या है, जितनी भी संपत्ति इनकी है, तो लगभग इन्होंने कहा कि 7,000 करोड़ की संपत्ति इनकी सारी हम जब्त करेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा मामला, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बट थोड़ा सा अभी मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंपॉर्टेंट थोड़ा कम हो जाता है वो। अब देखो सुधारों का इंतजार करता सीबीआई, जो जो हमने पॉइंट दोस्तों डिस्कस किया था उसमें सारी बातें कही गई हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट से अलग कर दिया जाए इसको, और इसको एक स्वतंत्रता एकदम दी जाए कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना हो इसमें, सीबीआई तब अच्छे से काम कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होने के बाद क्या सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये सारे इसमें पॉइंट्स थे, तो लगभग हमने इसमें सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब देखो सुरक्षा की दीवार, वो भी हमने अमृतसर वाला मामला था, इस पर भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो हम इसको भी अब छोड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब हमने इसको सारा पॉइंट अभी एडिटोरियल के पहले ही डिस्कस कर लिया था, क्योंकि मैंने पेपर को मुझे पता था कि आगे आने वाला, तो मैंने एक सारे पॉइंट वहाँ पर ही मर्ज करके आपसे एक साथ डिस्कस कर लिया था। ये सीबीआई वाला भी मामला हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है।
देखो पटाखों की बात की गई, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि 8 बजे से लेकर अब 10 बजे तक ही पटाखे 2 घंटे जलाओगे दीपावली पे, ठीक है। और वो भी उन्होंने कहा था ग्रीन पटाखे जलाओगे और लड़ी वाले पटाखे नहीं जलाओ। लड़ी वाले पटाखे क्या होते हैं, जैसे एक पटाखा ऐसे आपने देखा होगा कि ऐसे 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 में ढेर सारे वो लगे होते हैं, ठीक है। आप जैसे एक एक जगह आग लगाओगे फिर सारे जल जाते हैं, फिर बहुत तेज़ आवाज़ कट 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 आवाज़ ऐसे करते हैं ना, ठीक है। तो ये सारे ऐसे हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप ये चीज़ याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, मतलब एग्जाम में पूछे जाने की थोड़ी संभावना कम हो जाती है, बट ये वर्डिक्ट आप याद रखिएगा। उन्होंने 8 से 10 बोला था, ठीक है। 8 से 10 तक आप क्या करते हैं, बस 8 से 10 तक ही पटाखे जला सकते हैं, उसके अलावा नहीं जला सकते। तो इसमें लेखक यही कहते हैं कि देखो हमें क्या करना है, अगर पटाखों पर नियंत्रण करना है तो लोगों को जागरूक बनाना पड़ेगा। लोगों को जागरूक क्या बनाना, जैसे दिल्ली की बात करें हम, दिल्ली में जो लोग पटाखे जला रहे हैं उनको भी तो सांस लेने की प्रॉब्लम होगी। अब देखो इनके 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 देखो प्रदूषण फैलने से बढ़ने से क्या होगा, आपको कैंसर हो सकता है, हृदय की बीमारियाँ हो सकती है, सांस की बीमारियाँ हो सकती हैं, ठीक है, आँखों में जलन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब लोगों को बताओगे तो लोग इससे क्या होंगे। अब दिवाली ऐसे तो बोलते हैं दिवाली दीवों का त्यौहार है, ठीक है, बट ठीक है उसमें देखो अब सारी चीज़ें हम अगर इससे बताएं लोगों को तो जागरूक बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी तो लोग सीधे खुद ही पटाखे दोस्तों जलाना कम कर देंगे, ठीक है। तब मैंने खुद दोस्तों के लगभग मुझे लगता है मैंने करीब 4 या 5 साल से लगभग पटाखे नहीं चलाए आज तक, मतलब दिवाली के दिन हो चाहे होली के दिन हो, दिवाली को मैं दिए जला लेता हूँ, बट पटाखों में मैं विश्वास नहीं रखता थोड़ा सा, कि एक तो शोर होती है ज़्यादा और थोड़ा पोल्यूशन भी आज के टाइम पे बढ़ता जा रहा है। तो ठीक है, एक शर्मनाक के ये देखो दोस्तों झारखंड के बारे में दिया गया है कि होता क्या था कि झारखंड के एक जेल की बात कही गई इसमें। हमारे एग्जाम पॉइंट जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें आप सोशल जस्टिस वगैरह पार्टी सोशल इशू में लिख सकते हो आप, सोशल जस्टिस तो नहीं, सोशल इशू करके टॉपिक है, आपको ये पेपर 2 में भी मिल जाएगा, पेपर 2 मतलब GS के पेपर 2 में मिलेगा। और आप सोसाइटी वाला जो टॉपिक है GS पेपर 1 हिस्ट्री के बाद देखोगे तो नीचे ही टॉपिक आ जाता है, तो GS पेपर 1 और GS पेपर 2 में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। देखो इसमें मामला क्या था कि यहाँ पे जेल था, ठीक है, यहाँ के एक जेल में मतलब कैदियों से मिलने के लिए भी लोग उनके परिवार से पैसे लिए जाते थे, ये हाल था कि अगर पैसे दोगे तब भी आप अपने भाई बहन जिससे मिलना है आप उससे मिल सकते हो, बस इतना ही मामला था। तो मैंने आप बता दिया, अगर कहीं पॉइंट कोट करना हो तो आप ये कोट कर सकते हो, अगर सोशल सोशल इशू से या सोशल जस्टिस से रिलेटेड मामला आ जाता है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात कही कि सड़कों पर दौड़ती मौत, ठीक है, तो सड़कों पर दौड़ती मौत का इसमें यही कहा गया कि दिल्ली दिल्ली के बारे में नॉर्मली इसमें चीज़ें कही गई हैं, ठीक है, कि दिल्ली पुलिस को एक तो ट्रैफिक रूल्स लोगों को फॉलो करना चाहिए जिससे क्या होगी दुर्घटनाएं हम और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें कही गई हैं, तो दिल्ली के बारे में थोड़ा ज़्यादा कहा गया है तो थोड़ा सा हमारे लिए लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर ओवरऑल कहा जाता तो एक तरह से हम कह सकते थे कि नहीं बढ़िया चीज़ है हमारे लिए, बट ये दिल्ली का आंकड़ा तो बस इतना ही कहा कि इसमें ये कहा गया है कि अगर ट्रैफिक रूल फॉलो करो तो दुर्घटनाएं हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें लगभग हमने सारा डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं बांग्लादेश की, ठीक है। देखो आज का थोड़ा एडिटोरियल थोड़ा सा बोरिंग है, मुझे पता है कि आप लोग को बोर हो रहा होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा बोरिंग है, तो कभी कभी देखो बोरिंग चीज़ें भी करनी पड़ती है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो उदार मूल्यों के बोते बढ़ता बांग्लादेश, अब देखो आपको पता है कि बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश अपने आप को मुस्लिम कंट्री कहता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश ने अभी दशहरे के फेस्टिवल पे जितने हिंदू लोग रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, उनके लिए क्या किया एक मतलब एक जगह अलॉट कर दिया कि आप दशहरा यहाँ पर अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो। तो क्या होगा, अब देखो जैसे ही इन्होंने मुस्लिम कंट्री होकर अगर इन्होंने वहाँ के रहने वाले हिंदुओं के लिए ये चीज़ सोची, तो हिंदू क्या होंगे मतलब इस गवर्नमेंट के लिए क्या होंगे, उदार होंगे। तो इसमें ये चीज़ इन्होंने किया। और दूसरा ये चीज़ कहा जाता है कि आपको अगर पता हो तो पता हो, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, बांग्लादेश दोस्तों आज के टाइम पर रेडीमेड कपड़ों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सबसे बड़ा मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा उत्पादक देश है रेडीमेड कपड़ों का। इवन भारत को ये व्यापार घाटा देता है कपड़ों के मामले में, मतलब भारत में जितने हम कपड़े का रेडीमेड कपड़ों का उत्पादन नहीं करते उससे ज़्यादा क्या करता है बांग्लादेश करता है। तो बांग्लादेश ने सीखा कहाँ से, बांग्लादेश ने सीखा भारत से, लेकिन आज वो भारत को टक्कर दे रहा है। अगर मैं आपको बात करूँ बांग्लादेश की, ठीक है, तो पाकिस्तान की हालत खस्ता है, आपको अगर याद हो तो आप 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, ठीक है, बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से। उसके बाद से इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत को फॉलो किया और भारत के अनुसार ही अपनी नीतियों को सारा बनाया और उसके अनुसार चलते गए। आज भारत की नीतियों के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि आज रेडीमेड कपड़ा उद्योग में आज ही मतलब जितने भी आप जींस के नाम ले लो, बड़ी बड़ी कंपनियों को जींस होते हैं ये सारे यहाँ पर डिज़ाइन होते हैं, बस टैग लगने के लिए वहाँ पर, मतलब टैग भी सारी चीज़ें यही भी मैन्युफैक्चर होती हैं, यहाँ पर याद रखो, ठीक है। जितनी बड़ी बड़ी जींस कंपनियाँ होती हैं रेडीमेड कपड़े होते हैं सारा आज के टाइम में क्या कौन करता है, बांग्लादेश में है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है बांग्लादेश के लिए। आपको एक चीज़ में और काम मतलब बहुत ही चीज़ कमाल की बताता हूँ, अगर भारत में एवरेज जीवन प्रत्याशा ले, ठीक है, मतलब जीवन जीने की जो एवरेज है भारत में 68.3 है, मतलब एक नॉर्मली आदमी क्या कितने साल जीता है 68.3 ईयर, लेकिन ये बांग्लादेश में अगर आप जाओगे तो बांग्लादेश में दोस्तों 72 ईयर है,
मतलब देख लो लगभग ये चार चार साल हमसे ज़्यादा जीते हैं। अगर भारत के लोग 68 ईयर जी रहे हैं तो बांग्लादेश के लोग 72 ईयर जी रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी मतलब इसमें अच्छी चीज़ कही गई है। ठीक है, अब ये तो हो गया दोस्तों बांग्लादेश के बारे में, लोगों को हमने सारी चीज़ें बता दी। देखो अब इसमें मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ बहुसंस्कृतवाद के लिए मुहिम है। ठीक है, बांग्लादेश ने इसे समझा। देखो अब यहाँ पर लिखा बांग्लादेश ने समझा किस मामले में, अब आपको ये भी पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि दशहरे के दिन उन्होंने क्या कि शेख हसीना ने दशहरे के लिए एक जगह अलॉट कर दी कि हिंदू जो लोग हैं वो अपना दशहरा यहाँ पे पूरा पंडाल वगैरह जैसे भी लगाना पूरा लगा के आप आराम से सेलिब्रेट करिए। ठीक है, फिर उसमें कहा गया क्या, पाकिस्तान की नाकामियों से सबक लेकर बांग्लादेश ने भारत से बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया, जिसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा और धार्मिक सौहार्द कायम करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हुए बांग्लादेश वाकई एशिया का एक सफल देश में शुमार होने की ओर अग्रसर है। सफल किस मामले में, आपको पता होगा कि रेडीमेड कपड़ों के जो काम होते हैं ना ये गांव-गांव तक होते हैं। जैसे आप अगर आप लोग जब यूपी और नॉर्मली बिहार में मैंने एक चीज़ ट्रेंड देखा है कि गाँव में लोग मोतियाँ बनाते हैं, एक आता है मोती वाला वो ढेर सारे आपको मोतियाँ दे जाता है, आपको माला बनाना होता है। अब जो लोग यूपी और बिहार में होंगे उनको, अब बाकी जगह का देखो नहीं पता, मेरे को यूपी और बिहार का पता है इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, मैंने देखा है वहाँ पर लोग मोतियाँ आती हैं, लोग एक मोती वाला आता है दे के जाता है और क्या करते हैं वो ढेर सारे मालाएँ बनाते हैं, कुछ पैसे उसके मिलते हैं और फिर वो दे देते हैं। ठीक है, सेम ट्रेंड यहाँ पर चलता है। यहाँ पर मोतियों की बजाय क्या बोलते हैं, इनको कपड़े आते हैं, कपड़ों की सिलाई करनी होती है, एक फिक्स पैटर्न बनाया जाता है, फैक्ट्रियाँ डाली गई गाँव गाँव तक फैक्ट्रियाँ डाली गई हैं, जिससे क्या इनकी अर्थव्यवस्था को मतलब पूरा अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है क्या बांग्लादेश। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि बांग्लादेश दोस्तों पूरा प्लेन एरिए पे है, तो ये इनके लिए एडवांटेज होता है कि पूरा प्लेन एरिया में रहते हैं, ये कोई पहाड़ी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि रहने के लिए प्रॉब्लम होती है। हाँ, बांग्लादेश थोड़ा सा ओवर पॉपुलेटेड है, बस इतना ही है। ठीक है, अब बात करें देखो यहाँ पे गलत नीतियों से बदहाल पाक। ठीक है, अब देखो आपको मैंने ये भी डिस्कस कर ही लिया था कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा है चाइना से, और हालत ये है कि ये पाकिस्तान मतलब के पास पैसे नहीं है कि वो क्या कर सके, मतलब अपना देश चला सके। दो दो महीने का इनके पास रिजर्व है, 2 महीने तक अगर इनको पैसे नहीं मिले तो ये मान लो कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें एक चीज़ और कही गई है, देखो ये तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ठीक है, अगर इसमें आपका नाम आ जाता है तो इसका मतलब कि आपकी वित्तीय हालत ख़राब है, तो इसका इसमें किस इनको इनका नाम डाल दिया गया, किसका, पाकिस्तान का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इनका नाम डाल दिया गया है। इससे क्या है कि अब लोग लो, अब इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, देखो भारत के लिए फ़ायदेमंद ये हो जाएगा कि इसमें लोग कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा पाकिस्तान में जाके। जैसे ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इनका नाम आ गया तो कोई भी कंट्री इस पाकिस्तान में जाके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, ये एक फ़ायदा होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें एक चीज़ और कही गया था, MFN का दर्जा, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का फुल मतलब बात करते हो, इसका मतलब MFN का फुल फॉर्म ये मोस्ट फेवर्ड नेशन, जो अब इसमें अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का आपने मतलब नाम मतलब दर्जा दे दिया तो इसका मतलब है कि WTO के जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत क्या होगा कि आपको जो चीज़ें मिलेंगी ना सस्ती मिलेंगी, अगर आप कोई भी चीज़ मंगाते हो अपने देश में तो सस्ती मिलेंगी। भारत ने देखो इसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं किया, नहीं दिया गया। मतलब ये है कि अगर भारत भारत से कोई सामान अगर पाकिस्तान ले जाना है तो भारत महंगा बेचेगा इनको। ठीक है, भारत महंगा बेचेगा, प्लस ये भी जो भारत भारत बेचेंगे ये भी महंगा बेचेंगे, तो इससे क्या होगा, जब चीज़ें महंगी आएंगी तो आप अपने जनता को सस्ती चीज़ें प्रोवाइड भी नहीं करा पाओगे, तो इससे भी आपकी अर्थव्यवस्था क्या होगी, बिगड़ेगी। आपको महंगा देना महंगा खरीदना पड़ेगा, आपको डॉलर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये भी एक निगेटिव इसमें पॉइंट कही गई है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आप ये पॉइंट लिख सकते हो। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे मैंने आपको चीज़ें पढ़ा दी ना तो आप इसको इसमें चीज़ें खोज भी सकते हो, अदरवाइज़ आप गूगल कर लो कि MFN क्या है, FATF क्या है। ठीक है, ये सब आप अब स्मार्ट वर्क यही है कि आपने एक नोट्स बना के रख लिया और लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन के लिए क्या करेगा, यही मदद करेगा। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल मामला दिया गया, ये डिस्कस नहीं कर देंगे। आपको पता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में दोस्तों ये दिया गया आर्टिकल, देखो इसमें चीज़ कही जाती है कि देखो अभी आपको पता होगा कि इनका सपना था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना था कि मैं जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो मैं लाल किले पर आके एक झंडा फहराऊंगा अपना। ठीक है, तो लेकिन ये उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इन्होंने क्या किया था 21 अक्टूबर 2018 को, ठीक है 21 अक्टूबर 2018 को अभी न्यू दिल्ली में क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले पर जाकर दूसरी बार झंडा फहराया। एक तो इन्होंने 15 अगस्त को फहराया था, फिर दूसरी बार जाकर फिर से झंडा फहराया, तो ये पहली बार हुआ है कि मतलब लाल किले दोबारा से झंडा फहराया गया। अब ये 21 अक्टूबर का दिन क्यों चुना, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा तो सिंगापुर में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद अंतरिम सरकार के गठन किया था, तो उस उपलक्ष्य में क्या हुआ, इन्होंने 21 अक्टूबर को ये दिन चुना जहाँ पर कि इनका सपना था सुभाष चंद्र बोस जी का कि मैं अपना भारत आज़ाद भारत में
अपना लाल किले से झंडा फहराऊंगा, ठीक है। तो वो उन्होंने सपने को साकार किया। और एक चीज़ और कही जाती है कि हमें देखो इन चीज़ों को ना कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाना जाना चाहिए, लोगों को इसमें जागरूकता बनानी चाहिए, क्योंकि देखो इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा काम किया। तो हमें अपने देश के वीरों के बारे में जानने की मतलब जानना चाहिए, जिससे क्या कि आप मोटिवेटेड रहो अपने देश के लिए, अपने देश के लिए अच्छे से काम करो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इसमें डिस्कस किए गए थे। दोस्तों आज की न्यूज़ में हमने लगभग लगभग सारा डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। आप बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप इकोनॉमिक्स वाला पार्ट छोड़ देते हो। देखो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों एग्जाम्पल हो जाता है ना, हम बस वही डिस्कस, मैं कोशिश करता हूँ बस वही डिस्कस करूँ, ठीक है। तो देखो अभी मोबाइल में हम 5G तकनीक पे जाने वाले हैं अभी, ठीक है। BSNL ने अभी करार भी कर लिया है जापान के दो कंपनियों के साथ, तो अभी हम शिफ्ट करेंगे 5G की तरफ। और देखो यहाँ पे एक खगोशी के बारे में कहा गया, आपको अगर पता हो तो मैंने कल भी डिस्कस किया था आपका कि टर्की में क्या था, सऊदी अरब का एक वहाँ पे एम्बेसी था, एम्बेसी में खगोशी क्या किया गया था, मृत्यु मतलब यहाँ पे मार दिया गया था। और ये क्या था कि ये खगोशी क्या थे, अमेरिका में एक पत्रकार थे, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में काम करते थे, इसलिए अमेरिका ने भी इसे सजग लिया था कि आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हो। अभी इनके बेटे से मिलने आए थे यहाँ पे UAE में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, सऊदी अरब को छोड़ दिया, सऊदी अरब को छोड़ के कहाँ जा रही है, सॉरी सऊदी, हाँ सऊदी अरब को छोड़ के अभी सीधे अमेरिका या कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये अमेरिका ने भी इसकी सराहना की कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने सऊदी अरब को छोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें अब देखो ये मामला बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे एग्जाम पॉइंट में भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। IR के रिलेटेड, IR से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है। तो दोस्तों लगभग हमने इसमें सारा डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब देखो अभी 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 थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हो रही है, बट हम क्या करेंगे आगे चल के, एडिटोरियल बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर एडिटोरियल अलग कर दो और न्यूज़ अलग कर दो, हम ये दोनों चीज़ें अलग कर देंगे। आप 1 तारीख का वेट करिए, थोड़ा सा चीज़ें मतलब सही मेंटेन हो जाने दीजिए, तो हम इसको भी अलग कर देंगे, इसको भी अलग कर देंगे। और अभी तो हम द हिंदू भी ऐड करने वाले हैं, तो द हिंदू भी ऐड कर देंगे। तो क्या होगा कि एडिटोरियल में आपको द हिंदू एडिटोरियल, द हिंदू का एडिटोरियल भी मिलेगा और दैनिक जागरण का एडिटोरियल दोनों एक साथ कर देंगे, और न्यूज़ भी द हिंदू का और उसका भी दोनों हम एक साथ कंबाइन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये है आज का पूरा वीडियो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, हो सकता है कल मैं आपको वीडियो थोड़ा सा लेट दे पाऊँ, क्योंकि कई फ्रेंड्स के एग्ज़ाम है तो उनके साथ मुझे जाना है, तो हो सकता है मैं थोड़ा सा लेट दे पाऊँ वीडियो। तो कल संडे का दिन है, तो हो सकता है मैं 11-12 बजे के आसपास आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।